ये रिद्धि सेन यहाँ पे आए हुए हैं। वो देखिए गाइस, ड्रोन भी उड़ रहा है यहाँ पे। भीड़ देखिए गाइस, कितना सारा लोग यहाँ पे आए हैं आज। तो मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे ब्लॉग करने के लिए, यहाँ पे भाई लोग भी है मेरे साथ। बाबू मचा विश्वजीत, दिस इज माय चैनल, इनका प्लीज सब्सक्राइब दिस गाइस चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं नंदन कोलकाता। मैंने सुना है कि नंदन कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसे सजाया गया है, कैसे डेकोरेट किया गया है। तो वीडियो पे बने रहिए, लेट्स गो। तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ रविंद्र सरोवर स्टेशन के सामने, तो वहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे। तो गाइस, अभी हम लोग उतर चुके हैं रविंद्र सदन स्टेशन में। तो गाइस, हम लोग रविंद्र सदन स्टेशन में इसलिए उतरे हैं क्योंकि यहाँ से नंदन बहुत सामने होता है। सामने एक साइड का मोड़ है और वहाँ से बहुत ही सामने होता है नंदन। तो लेट्स गो गाइस। यहाँ पर एक ब्रिज है, ये ब्रिज पहले तैयार हो रहा था, अब तैयारी कंप्लीट हो गया है शायद। तो चलिए देखते हैं ये ब्रिज एक बार। गाइस, यहाँ पर एक एस्केलेटर भी है, मतलब सिर्फ उठने के लिए एस्केलेटर है, और इस तरफ से शायद नीचे जाने के लिए, मतलब इस तरफ एस्केलेटर नहीं है, सिर्फ उठने के लिए एस्केलेटर दिया गया है। तो मैं आप लोगों को ये ब्रिज दिखा देता हूँ, ठीक से देख लीजिए। और ब्रिज का ये जो व्यू है, ये बहुत ही सुंदर व्यू है, देख लीजिए। बहुत ही अच्छा व्यू, और ब्रिज के इस तरफ भी व्यू देख लीजिए। देखिए कितना सारा जैम होके रखा है यहाँ पे। तो ब्रिज के इस तरफ भी सिर्फ ऊपर उठने के लिए एस्केलेटर दिया गया है, और नीचे उतरने के लिए सिर्फ सीढ़ी दिया गया है, देखिए। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ नंदन के एंट्रेंस के सामने, तो चलिए अंदर चलते हैं। भीड़ देखिए, जिधर भी देखोगे भीड़ ही भीड़ है गाइस, कितना लोग यहाँ पे आते हैं देखिए। सो गाइस, 15 से 22 दिसंबर तक ये फेयर चलेगा, तो अभी तक जो लोग नहीं आए हो जल्दी से आ जाओ और इस जगह को घूम के जाओ और देखो कि कैसे डेकोरेट किया गया है ये जगह। सो गाइस, देख लीजिए यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया गया है कि किस किस दिनों में क्या होगा। और ये है वो एंट्रेंस जहाँ से हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं। वो देखिए गाइस, ड्रोन भी उड़ रहा है यहाँ पे। और भीड़ देखिए गाइस, कितना सारा लोग यहाँ पे आए हैं आज। ड्रोन देखिए। गाइज, आप लोग जानते हो कि नहीं, ये रिद्धि सेन यहाँ पे आए हुए हैं, ये बंगाली एक्टर है, बहुत ही अच्छा। गाइज, ये देखिए, ये आपको अगर कोई आइडल लगता है तो नहीं, ये एक्चुअल एक इंसान है जो यहाँ पे ऐसे करके खड़ा हुआ है। कितना मेहनत करते हैं ये लोग देखिए। सो गाइस, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे ब्लॉग करने के लिए, यहाँ पे भाई लोग भी है मेरे साथ। ये भी आपका नाम बता दीजिए। बाबू मचा विश्वजीत, दिस इज माय चैनल, इनका प्लीज सब्सक्राइब दिस गाइस चैनल। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये देखिए चार्ली चैप्लिन का ये जो आइडल कैसे बनाया गया है। और यहाँ पे गाइस, फ़ोटोशूट के लिए ये बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे बहुत ही देर से लोग आ रहे हैं और फ़ोटोशूट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप भी ये जगह घूम के जाओ, 22 दिसंबर तक है, जल्दी से आ जाओ। डेकोरेशन देखिए गाइस, पॉपकॉर्न का जो बॉक्स होता है उसको लेकर डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे। ऊपर देखिए गाइस, यहाँ पे कैसे कलरफुल ये देकर सजाया गया है यहाँ पे भी। ये देखिए गाइस, फेस के ऊपर सिनेमा का जो रील होता है उसको कैसे देकर डेकोरेट किया गया है।
गाइज अभी मेरे पीछे ये जो देख रहे हो आप, ये अलग अलग मूवीज़ के कुछ डायलॉग्स यहाँ पे है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो बसंत बिलाप, ये एक बंगाली मूवी है, फेमस बंगाली मूवी, इसका कुछ डायलॉग लिखा हुआ है यहाँ पे। और भी बहुत सारे मूवीज़ है जैसे कि स्टार वार्स, और गाइज यहाँ पे भी लोग फोटोशूट कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों का ही कुछ पिक्चर्स दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उत्तम कुमार, महानायक उत्तम कुमार, और यहाँ पे देख सकते हैं अमिताभ बच्चन का पिक्चर लगाया गया है। बहुत ही सुंदर दिखने को लग रहा है ये। तो गाइज यहाँ पे एक बच्चे का आइडल दिया गया है जो कि एक आईना लेके ऐसे बैठा हुआ है, बहुत ही सुंदर देखने को लग रहा है ये भी। देखिए गाइज यहाँ का झरना कितना अच्छा लग रहा है देखने को। और ये देखिए गाइज रविंद्र सदन, ये देखिए गाइज यहाँ पे एक और फोटोशूट का जोन है। यहाँ पे देखिए गाइज अलग अलग मूवीज का पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे देखिए गाइज क्या लिखा है, यूनिवर्सल। यहाँ पे कुछ और पोस्टर्स लगाया हुआ है। ऊपर देखिए गाइज कैसे सजाया गया है, कैसे डेकोरेट किया गया है ऊपर। और इस तरफ कुछ फंक्शन चल रहा है। देखिए गाइज स्टेज को कैसे सजाया गया है, देखिए और इतना सारा लोग आया ना यहाँ पे, मतलब अलग ही लग रहा है पूरा। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो लाइट्स ऑन कर दिया गया है। तो गाइज लाइट्स ऑन करने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये पोस्टर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे भी लाइट्स को देखे कैसे डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे भी एक गेट जैसा किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने को। यहाँ पे लिखा हुआ है सीने अड्डा। और गाइज मेरे पीछे यहाँ पे भी आपको एक फ़ोटोशूट का जोन देखने को मिल जाएगा, दिखा देता हूँ। मतलब बहुत सारा यहाँ पे फोटोशूट का जोन देखने को मिल जाएगा आपको। गाइज यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आई लव KIFF। सो गाइज KIFF का फुल फॉर्म है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। गाइज आप लोगों को अगर ऐसे टाइप का व्लॉग्स अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट्स कोलकाता एंड कोलकाता ऑलवेज रॉक्स। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।